मैं जो ये कोचिंग्स का स्टोरी थोड़ा डाला कि देयर आर सम चेंजेस इन लाइनअप हाँ जो अपने स्टोरी दिखवाई थी राइट। जो भी है, तो यही चेंजेस है कि मैं अभी नहीं खेलने वाला। और मतलब बहुत स्ट्रेस हो गया है ऐसा। और मतलब जीगॉड भी तब से बोल रहा था कि अब नहीं, सीसी वीसी ऐसा कोई सीन नहीं है। अच्छा सीसी का मना कर दिया उन्होंने भाई, तुम लोग भी बोल रहे थे गेम्स भाई कि नहीं रहेंगे रहेंगे बाकी डोंट नो। उन्होंने तो लिखा था कि कोई नहीं जा रहा है, जैसे अभी हमने स्टोरी देखी थी लाइक शायद जल्दी कोई और जल्दी। लाइन अप से खेलूंगा, बट गॉड का मतलब गॉड को भी बहुत स्ट्रेस हो गया था लेटली चीजों का। मतलब गॉड अभी खेल रहा है सेल्फ ग्राइंड करने के लिए जो भी सीन है, बट मेन ऐसा है कि तो ऐसा कि मैं और गॉड नहीं खेलने वाले अब। गॉड का भाई ये इसके बारे में नहीं पता था मुझे, फिक्स नहीं है इसका, नहीं पता था मुझे जी गॉड का भी खेलने नहीं वाले। मुझे लगा था खाली बार जो भी अपडेट होगा न्यू के रिगार्डिंग होगा। एग्जैक्टली मेरे को पता नहीं, पर गॉड अभी खेल रहा है क्योंकि ऑब्वियसली वो सेल्फ ग्राइंड कर रहा है, मतलब उसका टच रहना चाहिए, तो उसके लिए वो खेल रहा है। बेसिकली हम लोग तो है ही इतने सालों से, 4.5 साल होने, 4 साढ़े 4 साल होने आ गए हम लोग है, तो कभी ना कभी तो हो ही गए ना कोई चीज खत्म, वो कल हो आज हो अभी। ऐसा नहीं कि अपन ट्राई नहीं किए, कर रहे तो वो चीज अगर एक रिजल्ट नहीं दे रही तो अपन कब तक वो चीज को और खींचे। लेकिन ये माइंड में रहेगा प्लेयर्स के भाई कि चलो भाई यहाँ पर अब गॉड लाइक के साथ नहीं कर पाए, अब जो भी है नहीं, अगर लाइनअप अगर सपोज आएगी या बनेगी इन फ्यूचर बीजेएस के बाद, मुझे लग रहा है भाई न्यू लाइनअप कहीं ना कहीं रिवील हो सकती है। अब कौन सी होगी ये तो नहीं पता, बट जो भी बनेगी भाई जिसके लिए भी मतलब जिसको भी रिप्रेजेंट करेंगे उसको भाई मतलब कोशिश करेंगे मतलब एक अच्छा नाम मेंटेन करने की।